इनमें दीन सीखने के लिए। ये नहीं कहा बेटा चलेगा हफ्ते बाद वापिस जो आ जाना। जब भेजा ना वालिदा ने अपने बेटे को, सारो सामान जो देना था दे दिया, जो शर्मिया जो दीनार देने थे वो दे दिए। अब माँ जब रुख्सत करने के लिए बाहर आई ना, तो क्या माँ का जोर कर कहती है अब्दुल कादिर तुम्हें मैंने दीन के लिए वक्त कर दिया, रब के लिए तुम्हें मैंने वक्त कर दिया है, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात क्यामत पर होगी। ये वो हस्तियां हैं। फिर एक बार हुजूर से पाक ने दिल में वालिदैन की मोहब्बत तो होती है ना, कुछ अरसा गुजरा ना हुजूर से पाक घर आया, कहा यार मैं अपनी वालिदा को मिलना, बड़ा दिल उदास है वालिदैन के लिए। वालिदा से मिलने के लिए जब घर आया, दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने पूछा कौन है, कहा आपका बेटा अब्दुल कादिर है। वालिदा ने कहा चले जाओ, मैंने अपने बेटे से कहा हुआ है वो भी नहीं आएगा, वो क्यामत वाले दिन मुझसे मिलेगा। ये हमारे अल्लाह वाले हैं, ये हुजूर से पाक की हस्ती है। आप रहमतुल्लाहि तआला को अल्लाह ने ऐसी शान अता की, हदीस में कुछ ये नहीं, जब बंदा रब के करीब हो जाता है फराइज की पाबंदी करने के बाद वाकई में इतनी कसरत करता है, हद तक रब उसको अपना कुर्ब अता करता है। जब कुर्ब इलाही मिल जाता है फिर बंदे की ख्वाहिश होती है मर्जी रब की, बंदा जो चाहता है, बंदा जो दिल के अंदर ख्वाहिश लेकर आता है रब उसकी पूरी करवा देता है। बुजुर्गों से बात रहमतुल्लाहि तआला के बाद आपकी बारगाह के अंदर एक औरत आई, हमारे दिल तो क्या है लोहे महफूज को पढ़ने वाली ये शख्सियात होती है, हमारे दिल के ऊपर अगर इनकी नजर पड़ जाए तो दिल की मैल तो दूर कर देते। इसीलिए तो कहते हैं उलमा के बुजुर्ग इनकी बारगाह में हाजिर किया करो, अल्लाह वालों की सोबत के अंदर बैठा करे, ये दिलों के जंग को दूर कर दियो। बुजुर्गों से पाक की बारगाह में औरत आई, आज मेरे पास औलाद नहीं अरसा हो गया शादी हो, रब की बारगाह में दुआ कीजिए औलाद हो जाए। बुजुर्गों से पाक ने निगाह उठाई तो ये महफूज पे देखा कि उस औरत के हाथ में औलाद है, उसकी सारी जिंदगी औलाद है ही नहीं, उसकी किस्मत पर लिखी है। बुजुर्गों से पाक रहमतुल्लाहि तआला ने उस औरत को कहा भाई तेरे हाथ में औलाद ही नहीं है, तुझे औलाद नहीं मिलेगी। अब हमारी कहते कहने लगी अगर मेरे हाथ में औलाद होती तो मुझे आपके पास आने की जरूरत क्या थी, इतना अरसा तो पहले ही गुजर गया, आपके पास आने का मकसद ये था कि अब रब की बारगाह में दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद अता करे। बुजुर्गों से पाक ने उस भाई की बात सुनी ना, हाथ उठा दिए रब की बारगाह के अंदर दुआ के लिए, याद आए इस औरत को एक बेटा अता करो, हाथ में है भी शहबाजे अब्दुल कादिर, इसकी हाथ में औलाद ही नहीं है। आपने फिर दुआ की याद आए इसको दो बेटे अता कर, गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर इसके हाथ में औलाद नहीं है। फिर दुआ की याद आए इसको तीन बेटे अता कर, गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर तुझे बता दिया गया, तुमने लोहे महफूज पे देख भी लिया इस औरत के हाथ में औलाद ही नहीं है। आपने फिर दुआ की याद आए इसको चार बेटे अता कर दे, दुआ इधर से करते गए उधर से इनकार होता गया, हत्ता कि जब आपने कहा या अल्लाह इसको छह बेटे अता कर, गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर बस कर, छह तेरे मांगने पर अता कर दे, एक अपने कदम से अता कर दे। रिवायत करने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि हमने देखा कि अल्लाह ने उस औरत के हाथ सात बेटे पैदा कर दिए। ये हुजूरों से बात थी, ऐसे कमालात अल्लाह पाक फरमाते हैं जब बंदा रब के करीब हो जाता, रब का कुर्ब पा लेता, और रब का कुर्ब पाने के लिए सबसे पहला दर्जा फराइज की पाबंदी हो। नवाफिल तो बंदे बाद में कबूल होंगे, तो पहले तो फर्ज की बात है। एक बंदा फर्ज से ही दूर है, वो कहे कि मैं रब का कुर्ब पा लूं, कुर्ब इलाही मिल जाए, रब मुझसे राजी हो जाए, कैसे राजी हो, जो चीजें हम पर उसने लाजिम की है वो हम कर ही नहीं रहे, तो फिर रब से रिजा की उम्मीद कैसे रखेंगे। सबसे पहला दर्जा रब की रिजा हासिल करने का फराइज के अंदर पाबंदी, फराइज की जब पाबंदी करेगा कामिल तरीके से अदा करेगा, फिर जब नवाफिल के अंदर कसरत करेगा, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को अपना कुर्ब खास अता फरमाएगा, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। पहले तो वो कर रहा था जो रब चाह रहा था, जो रब की मंशा और ख्वाहिश थी कि मेरी इबादत करे, मेरे आगे अपनी जमीन को सजदे में झुकाए, पहले इसने वो किया।